तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये मेन गेट है जो कि बाबा महेंद्रनाथ का, इसी के अंदर उनका शिवलिंग रखा गया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं लोग, देख सकते हैं गाइज। और ये मेन शिवलिंग है बाबा महेंद्रनाथ का, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाबा महेंद्रनाथ का दर्शन करने, आप देख सकते हैं फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं, उस लोकेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेला लगा है। और यहाँ पे देखा हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे कपड़े की दुकान है और यहाँ पे चश्मे की दुकान है, मिठाई का दुकान है, अनेकों दुकान आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे और आगे कुछ सीन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो वाला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दूँ ये लास्ट सोमवार है, सोमवार भी जैसे कि आपको बता दूँ सावन का लास्ट सोमवार चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाली नज़र आ रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दुकान बहुत सारी हैं और काफ़ी खाली नज़र आ रहा है। और मंदिर के अंदर चलेंगे तब आपको दिखाएंगे वहाँ का लोकेशन। और ये बाहर का कुछ ऐसा नाश्ता, यहाँ पर नाश्ता केंद्र है, देख सकते हैं यहाँ नाश्ता कर सकते हैं, जलेबी हैं, पकौड़ी है, समोसा है, चाय है और यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये भी प्रसाद की दुकानें हैं जो कि आप यहाँ से प्रसाद लेकर चल घर के लिए लेकर जा सकते हैं। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे अमित, आकाश और सनी साथ में सब लोग आए हैं। और तो फ्रेंड चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए प्रसाद का दुकान कितना सारा है यहाँ पर। और आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं यही है बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये आपको बता दूं ये मंदिर बिहार में पड़ता है जो कि सिवान से 20-25 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों ज़रूर आइएगा, एकमा से 5-10 किलोमीटर दूरी पर है ये। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ सच्चे मन से आएँगे तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं गरीब लोग हैं यहाँ पे जो कि विकलांग लोग हैं, यहाँ पर दान पुण्य कर सकते हैं। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आगे अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पोखरा, जो कि पोखरा में वहाँ स्नान करेंगे जो कि 52 एकड़ में माना जाता है ये पोखरा है। तो चलिए पास से चलकर आपको दिखाते हैं। पानी बहुत कम बा, देखा था दिन तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह आ चुके हैं पोखरा के पास। ये देख सकते हैं 52 एकड़ में पोखरा माना जाता है। तो ये देख सकते हैं पोखरा बहुत ही बड़ा है जो कि अभी पानी नहीं है, फिर भी है नहाने लायक, स्नान करने लायक है। यहाँ से स्नान करके सीधे मंदिर की तरफ हम लोग जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है, बाबा का जल चढ़ाने के लिए लोटकी यहाँ मिलेगा आपको 20 रुपया में, आपको बेलपत्र और लोटकी के साथ मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और यहाँ स्नान करने से शुद्ध माना जाता है और यहाँ से स्नान करके ही आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग भी स्नान करेंगे। तो देख सकते हैं ये है कुछ पोखरा का नज़ारा, तो ऐसा है देख सकते हो फ्रेंड्स। ये स्टीमर भी चलता है, बहुत सारे लोग आए हैं, लास्ट सोमवार है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है ये देख। और ये देखिए बहुत अच्छा, पहली बार आए हैं हमारे वीडियो में। अरे ऐसा बना ठीक से अच्छा नहा लेता तो दोस्तों देख सकते हैं अमित जी और आशु स्नान करने के लिए रेडी हो चुके हैं और स्नान कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दूर दूर लोग से आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, उसके बाद यहाँ जल चढ़ाने के लिए। तो आप भी कहीं से हैं बिहार में, तो कहीं से हैं तो एक बार आपको आना चाहिए यहाँ पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अचानक प्रोग्राम हुआ तो दोस्तों फाइनली हम लोग स्नान कर चुके हैं, अब हम लोग दर्शन के लिए जाएँगे। हमारे साथ देख सकते हैं ये सोनू बाबा हैं और ये आकाश जी हैं, सनी हैं और ये भाई पहली बार बुआ आए हैं जो कि अभी हेयर कटिंग सुधार रहे हैं ये देख सकते हैं। तो बुआ से पूछना चाहते हैं या आने पर आपको पहली बार आए कि दूसरी बार, कितने बार आए? दूसरी बार आए हैं। तो ये आने पर कैसा महसूस हो रहा है?
कैसा लग रहा है आने में, यहाँ पर आनंद कैसा लग रहा है? और देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ दे रहे हैं लोग, और यहाँ पे लुटकी, और ये महिला घाट है जो कि महिला स्नान है, यहाँ पे महिला स्नान करते हैं। और ये देख सकते हैं ये गेट है, जो कि इधर से हम लोग सीधे मंदिर की तरफ हम लोग जाएंगे, जो कि चोंगा में जल चढ़ाया जा रहा है। अभी आपको बता दूँ, पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसी के चलते चोंगा में जल चढ़ाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, जो कि बिहार पुलिस यहाँ पर सेवा दे रहा है। यहाँ से प्रवेश महिला और पुरुष दोनों आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और हमारे साथ सन्नी बुबच्चा और सुनचा, और ये देख सकते हैं अमित, और हम चारों लोग हम लोग जा रहे हैं और मंदिर पास में आए हैं। और चलिए मंदिर के पास चलते हैं, कुछ मंदिर का भी सीन दिखाएंगे। और हम लोग लाइन में हैं, जो कि ये देख सकते हैं बांस से पूरा इसको घेर दिया गया है। पहले ये सब नहीं था, पहले एकदम फ्रेश था, जो कि आपको बता दूँ ये देख सकते हैं मंदिर है, जो कि फाइनली मंदिर के पास हम आ चुके हैं और मंदिर के अंदर अब जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये मंदिर का मेन गेट है, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये मंदिर का मेन गेट है, आप देख सकते हो। और ये मंदिर के अंदर का मेन गेट है, और यहाँ पे आप इटली साइड देख सकते हैं हम लोग लाइन में लगे हैं, और यहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं। और आगे की तरफ हम दिखा दे रहे हैं, ये सब पूरा घेर दिया गया है, ये पार्वती माता का मंदिर है, और ये पहले पूरा खाली था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हम मंदिर के जस्ट पास पहुंचने वाले हैं, जो कि चोंगा में जल चढ़ाया जा रहा है, और मंदिर के पास जस्ट पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं जल चढ़ा लिए हैं। और यहां आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, सच्चे दिल से यहां मनोकामना पूर्ण हो जाता है, लोग मन्नत मांग रहे हैं, और ये देख सकते हैं मन्नत मांग रहे हैं लोग, और यहाँ पर सोनुच्चा भी मन्नत मांग रहे हैं, हर लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद मन्नत मांगते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे 80% जो कि भीड़ कम हो चुका है, चोंगा लग जाने की वजह से यहाँ पे 80% बहुत भीड़ कम हो चुका है, चोंगा के वजह से श्रद्धालु यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाबा से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा से जल भी नहीं ढार पा रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं जल्दी जल्दी पुलिस यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसी की वजह से कोई जल्दी जल ढार नहीं यहाँ पे नहीं आ रहे हैं बाबा महेंद्रनाथ में। तो दोस्तों यहाँ पर चोंगा लगा दिया इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों मंदिर के अंदर जल चढ़ा दिए हैं, और फिर मंदिर के बाहर से निकलकर कुछ अंदर का जो पार्वती मैया का है लोकेशन वो दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, और ये देख सकते हैं अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, जो कि मंदिर का अंदर का सीन है, और लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कि ये बजरंग बली का शायद मूर्ति है, देख सकते हैं। और ये आगे की तरफ चलेंगे हम लोग मेन गेट की तरफ, मेन गेट के पास चलेंगे। तो दोस्तों ये मेन गेट के पास हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, हम हमारे मित्रगण साथ में हैं, और ये देख सकते हैं लोग मंदिर के जस्ट पास में हैं, उधर से चोंगा में जल चढ़ाने के बाद सीधे मंदिर के पास आए हैं, और ये मंदिर का कुछ सीन है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए मंदिर के पास कितना भीड़ है यहाँ पर, ये मेन गेट है मंदिर में, जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर बाबा का भोले बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो ये पहले यहाँ से दर्शन करते थे लोग, लेकिन काफ़ी सावन में, पूरा सावन में यहाँ चोंगा का व्यवस्था लगाया गया था, जो कि चोंगा में लोग जल चढ़ाते थे काफ़ी भीड़ होने के चलते, इसीलिए व्यवस्था टाइट है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे ये मेन गेट है। और यहाँ पे लोग सेल्फी उल्फी लेते हैं, ये जो घंटी देख रहे हैं ये मन्नत जिसका पूर्ण होता है वो लगाते हैं यहाँ पे। तो जो भी है क्लियर कर दिया हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं बाहर का कुछ नज़ारा है, यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और देख सकते हैं अपने में बातचीत कर रहे हैं। और ये पार्वती मैया का मंदिर है जो सामने दिख रहा है, तो ये खाली खाली नज़र है, यहाँ सब पहले खुल जाता है, सावन बाद सब कुछ खुल जाएगा, ये सब दर्शन कर सकते हैं सब लोग का। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक था।